वर वाजी कर आप देख रहे हैं प्रोग्राम का साथ हमारा यह प्रोग्राम कायना कायनात की ला महदूद कुदरत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज काविश है जिसे पेश करने की सदत पाकिस्तान टेलीविजन हासिल कर रहा है नाजिर कराम सहरा इसमें मुजक्कर यानी हमवार ज़मीन जो ना तो बहुत सख्त हो और ना ही बहुत नर्म मैदान या चटियल मैदान इसमें दरख्त या घास वगैरह या तो बिल्कुल ही ना हो या ना होने के बराबर हो बंजर बयाबान वीरान रेगज़ार रेगिस्तान या दश्त ना जान नाम आज हम आपको आप समझ ही गए होंगे कि अपनी इस कायन में या इस ज़मीन पे मौजूद एक ऐसी कायनत की जानब लिए चलते हैं आ, कि जिसे हम सहरा या डेज़र्ट के नाम से जानते हैं और जब हम डेज़र्ट या सहरा का जिक्र करते हैं तो हमारे अजहान में आ, एक ही ख़ाई ज़मीन आता है या ऐसा ख़ते ज़मीन आता है आ, कि जहाँ हर समत हर सू हर जानब रेत उड़ती हो लेकिन नाजी कराम जो साइंटिस्ट हैं हमारे जो माहरीन हैं जो साइंसदान हैं उनके नज़दीक सिर्फ ऐसी ज़मीन ही सहरा नहीं है बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे कि साइंसदान कई ऐसे खत्ता ज़मीन का शुमार भी सहराओं की कैटेगरी में ही करते हैं कि जो कई कई आ, फिट या कई कई मीटर तहों की या बर्फ़ की कई कई मीटर तहों से ढके हुए हैं और सहराओं को वो कहते हैं कि दो बड़ी इनकी अकसाम हैं एक हॉट डेजर्ट है या गर्म सहरा और जो दूसरी कस्म है वो है कोल्ड डेजर्ट्स या सर्द सहरा माहरीन ये भी कहते हैं नाजिन कराम के वो ख़त् ज़मीन के जहाँ बहुत ही कम बारिश होने की वजह से दरख्त ना होने के बराबर हों वो सहरा या डेज़र्ट कहलाते हैं अब मैं कितना ठीक हूँ कहीं मैंने ए, कुछ गलतियाँ तो नहीं की हैं ये सब जानेंगे आज अपने माहरीन से और सहरा के हवाले से आज यानी आप सब समझ ही गए होंगे आज हमारा मौजू ग सहरा है या डेजर्ट है और गुफ्तगु करेंगे हमारे माह्रन जिनका तारफ़ मैं करवा दूँ मेरे जो पहले माहिर हैं नाजिन कराम आपका नाम है डॉक्टर परवेज़ शाफई साहब असलकुम और इनके हवाले से मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ नाजिन कराम कि आप एज़ एन स्कॉलर आज हमारे साथ यहाँ हाजिरों मौजूद हैं लेबर uh, लॉ की इंटरप्रिटेशन और पब्लिकेशन आपका हवाला और पहचान है खुश आमदेद कहती हूँ आपको कायनात के आज के एपिसोड में नाजन कराम मेरे जो दूसरे मेहमान हैं से कबल भी कायनात की एपिसोड में आप इन्हें देख चुके हैं और आज हमारे साथ आप एज़ आप एज अ साइंटिस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद आजम आपका नाम है वालेकुम और आपकी जो स्पेशलिटी है आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ़ जियोग्राफ़ी में फ़ेडरल यूनिवर्सिटी या फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में मैं आपको भी खुश आमद कहती हूँ नाजिर कराम इससे कबल के हम सवाल का सिलसिला शुरू करें आइए देखते हैं एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ये रेत तोड़ाने और आग बरसाने वाले रेखसार हैं, ये बर्फ फैलाने और खून मुंजमित करने वाले बर्फसार में वाकई हैं सबसे वसी सर्त सहरा का नाम एंटार्कटिक डेजर्ट है यह बरअजम एंटार्क्टिका में है इसका मजमुई रकबा एक करोड़ अड़तीस लाख उनतीस हजार चार सौ तीस मुरबा किलोमीटर है इसका अट्ठानवे फीसद रकबा मोटी बर्फानी तहों और दो फीसद चटानों पर मुश्तमिल है दूसरा सबसे बड़ा सर्द सहरा आर्टिक है ये आर्टिक के इलाके में वाक है इसमें ग्रीनलैंड और दीगर इलाके शामिल हैं। इसका मजमुई रकबा एंटार्टिक डेजर्ट से कुछ ही कम है यानी एक करोड़ सैतीस लाख छब्बीस हजार नौ सौ सैतीस मुबा किलोमीटर इन दो बड़े सर्द सहराओं के बाद गर्म सहराओं का नंबर आता है का वसी तरीन गर्म सहरा सहारा है इसे सहरा आजम भी कहा जाता है ये ब्रजम अफ्रीका के बारह मुल्कों में वाक है इसका मज़मू रकबा नब्बे लाख पैंसठ हजार मुरबा किलोमीटर है दुनिया के चंद बड़े गर्म सहरा उनका रकबा मुरबा किलोमीटर में और उनका महल हकू यह है सहारा नब्बे लाख पैंसठ हजार मुरबा किलोमीटर अफ्रीका अरेबियन तेईस लाख तीस हजार मुरबा किलोमीटर एशिया ऑस्ट्रेलियन पंद्रह लाख छप्पन हजार मुरबा किलोमीटर बारह लाख पचानवे हजार मुरब्बा किलोमीटर मंगोलिया एशिया ब्रजम जुनूबी अमरीका के मुल्क चिल्ली में सेहरा एटकामा कोर का खुश्क तरीन सेहरा है यहां पंद्रह सो सत्तर से 1971 तक यानी चार सदियों के दौरान बिल्कुल बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई पाकिस्तान में दो बड़े सहरा हैं थर और थल सहरा थर सुबह सिंध में वाक है और ये सरहद के पार भारत के मगरब में भी फैला हुआ है यहां 10 लाख से ज्यादा अफ़रात बसते हैं दरिया जेहलम के मगरब में रेतीला इलाका है उसे सहराय थल कहा जाता है जिन्हें बैराज से निकाली गई नहरों की वजह से खास इलाका अब रेगिस्तान के बजाय शादाब खित्ते में तब्दील हो चुका है गर्म सहराओं की सरजमीन बारिश को तरसती है यहाँ गर्मियों में दर्ज हरारत पचास दर्ज और मौसम सरमा में सिफर दर्ज सेंटीग्रेड तक जा पहुँचता है का तकरीबन बीस फीसद रकबा बंजर और नीम बंजर सरजमीन पर मुश्तमल है यहाँ तकरीबन एक अरब अफरा रह पजीर है जो कुर की कुल आबादी के चौदह फीसद के बराबर है सहरा में रहने वाले अफराद के घर शब और रोज और रस्म और रिवाज आम इलाकों से मुख्तलिफ होते हैं यहाँ के अक्सर बाशिंदे खाना बदोश होते हैं पानी के जखायर के करीब बस्तियां आबाद करते हैं जब कहत बढ़ जाता है तो शादाब इलाकों की राह लेते हैं सहरा में किस्म किस्म के कि फूल खिलते हैं मुख्तलिफ जानदार भी सहरा में रंग बिखेरते हैं सहरा मुख्तलिफ मादनी जखायर से भी मालामाल होते हैं सोडियम नाइट्रेट चिल्ली तांबा, अमेरिका, चिली सीसा और जस्त ऑस्ट्रेलिया सोना चांदी और यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, कोयला और ग्रेनाइट सराय थर पाकिस्तान सहरा सिर्फ सहरा नहीं होते ये तो सहराए जिंदगी है डॉक्यूमेंट्री नजर न कराम हम सब ने मुलाजा की सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं पहला सवाल आ, एम आज़म साहब मैं आपसे करना चाहूँगी और सवाल ये है कि सहरा की सही तारीफ किया है और किसी भी खत ज़मीन को सहरा की तारीफ़ पर पूरा उतरने के लिए वहाँ बारिश की क्या हद मुत की गई है सहरा की सही मायनों में तारीफ इस तरह से की जा सकती है कि खत ज़मीन का वो ओपन एरिया चाहे वो कोल्ड हो या हॉट हो ख्श बंजर और उसमें नबातात ना होने के बराबर हो जबकि कहीं कहीं नबाता जो है वो मिलते हैं जी। इसके अलावा रेतीली या चटानी सॉइल पर ये मुश्तमिल होते हैं और एबोप्रेशन रेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन वो हाई होती है जिसकी वजह से ये डेज़र्ट जो है, की है। डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है डेजर्ट की फॉर्मेशन इक्वेटोरियल बेल्ट से सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट की तरफ आपको ज़्यादा नज़र आएंगी क्योंकि महज जो एयर मास मास होते हैं वो इक्वेटोरियल बेल्ट से जब मूव करते हैं आपके सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल बेल्ट पे तो वो अपनी नमी जो है वो खो देते हैं और इस तरह से वहाँ बारिश नहीं हो पाती जिसकी वजह से जितने भी हॉट डेजर्ट्स हैं वो सब ट्रॉपिक और आ, सब ट्रॉपिकल बेल्ट पे पाए जाते हैं किसी भी ख़त ज़मीन को सहरे की तारीफ पर उतरने के लिए कम से कम जो बारिश की मकदार की गई है या आ, उसकी हद मकर की गई है वो दो सौ पचास मिलीमीटर या पच्चीस सेंटीमीटर या दस इंच है पच्चीस सेंटीमीटर या दस इंच जी मुझे ये भी बता दीजिए कि जोग्राफिया लिहाज से सहरा की कितनी अकसाम है जोग्राफिया लिहाज से सहरा को चार हिस्सों में डिवाइड किया ठीक गया है। है। इसमें सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हैं कूल कोस्टल डेजर्ट्स हैं कोल्ड विंटर डेजर्ट्स हैं और कोलर डेजर्ट्स हैं ठीक है। इसमें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स uh, में जो है जितने भी हॉट डेजर्ट्स हैं जिसमें सहारा है अरेबियन डेजर्ट्स हैं एटेकामा और और भी मुख्तलिफ़ डेजर्ट्स आते हैं जिसमें ये हॉट डेजर्ट का शुमार होता है जबकि कूल कोस्टल डेजर्ट में नैबिब नाम के डेजर्ट्स हैं जो कि साउथ अफ्रीका और निमिबिया के इलाके में पाए जाते हैं जबकि कोल्ड डेजर्ट में ये आ, गोभी डेजर्ट्स कुछ डेजर्ट है जो हैं ये जो रूस कंट्री था वहाँ पे भी जो स्टेट बने हैं कागजस्तान उज़्बेकिस्तान वहाँ पे कराकम और कैजिक्स कम के नाम से ये मशहूर हैं जबकि पोलर डेजर्ट्स में दो बड़े डेजर्ट्स होते हैं एक में एक है और एक आर्कटिक है।, है ये जो है बर्फ़ से ढके हुए हैं जैसे आपने बात हैं। की थी ये कोल्ड डेजर्ट के हवाले से तो ये डेजर्ट यह है।, है, अगर मैं ऐसा कहूँ डॉक्टर शाफई साहब पवे शाफी साहब के हम ऐसे अहल नजर को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल ना होते तो सब काफ़ी है शायद ने तो ऐसा कहा किसी सहरा को देख कर नज़र को खुदा के वजूद के क्या सबूत मिलते हैं अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जिस तरह पहाड़ों की मिसाल दी कि हमने ये इतने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ बनाए हैं और अगर हम रात को अंधेरे में कायनात को देखें तो उसके अंदर सितारे प्लैनेट्स सूरज और कहकशाएँ तो वो उसके अंदर इतनी वसूत है जिसका कोई हम तस्वुर भी नहीं कर सकते तो उसकी एक छोटी सी मिसाल हमारी इस दुनिया पे अल्लाह ताला ने बनाई है कि आप जब जो ख़ास तौर पे जो शहर शहर में रहने वाले लोग हैं वो अगर जब सहरा में या खुले इलाकों में जाते हैं तो उसकी वसत को देख के दिल पे हैवत होती है उसका रोब और दबदबा पड़ता है इंसान में और अपनी अहमियत जो इंसान अपने आप को बहुत अहम समझता है उसकी कम मायगी का बड़ा एहसास होता है तो एक तरफ जो है उफ आपको नज़र आता है हद निगाह तक कोई उसकी हद नहीं है तो इतना बड़ा इलाका और एक जैसी उसकी सतह हो या ऊपर नीचे हो तो वो बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और इसकी मिसाल कायनात की भी दी और हशर के मैदान की भी दी कि पहले दिन से लेके आज तक जितने इंसान इस दुनिया में रहे बसे उन सब को वहाँ जमा किया जाएगा तो वो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसकी वसत कितनी होगी तो ये तो एक उसकी डायमेंशन है कि उसके इतना वसी और रीज होता है कि हम उसका तस्वर नहीं कर सकते उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि डेज़र्ट के अंदर अगर हम खूबसूरती को देखें ऐसी ऐसी लहरें ऐसी ऐसी चटानें और रेत उड़ती है और मुख्तलफ़ रंगों की होती है कि जिससे इंसान जो है वो सोच नहीं सकता कि भाई ये इतने कलर कॉम्बिनेशन से और इतनी ख़ूबसूरत कई प्रोग्रामों में टीवी की डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाते हैं इतने ख़ूबसूरत वो होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं तो उसको भी देख के अल्लाह ताला की वाहदानियत और कि भाई उसके अलावा और कोई हस्ती नहीं हो सकती कि जो इस इन चीज़ों को बनाए आ, फिर उसके बाद आ, अगर हम जाएं तो उसके अंदर हम समझते हैं कि इसके अंदर कोई ज़िंदगी नहीं है कोई आबादी नहीं है तो लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी हशारत-ul-अर्ज़ मुख्तलिफ किस्म के पैदा किए हैं है। यानी कि पानी के तो सांप होते हैं लेकिन रेत के भी सांप होते हैं जो बिल्कुल रेत के ऊपर तैरते हुए जाते जी हैं मुख्तलिफ डमेंशन है इसी तरह वो गिरगिट या चपकलियाँ या और मुख्तलिफ़ होते हैं अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी उनके लिए रिस्क का इंतज़ाम किया है और वो वहाँ ज़िंदा है किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं है वो न बारिश के ना पानी के ना कुछ अल्लाह ताला ने इंतजाम किया तो मुख्तलिफ़ डमेंशन से अगर आप देखें सोचें जिसका कुरान हमको करता है गौर व फिक्र करें तो उससे दिल पर इंसान के जिस तरह कहकशाओं को और कायनत को देख के इंसान के दिल पर अस असर होता है तो वो उसका ज़मीर जो है वो गवाही देता है उसकी फितरत गवाही देती है कि हाँ भाई ये डायरेक्शन होना चाहिए इसको इस किसी हस्ती जो के हमेशा से है और हमेशा रहेगी ये वो उसी का ही काम हो सकता है बेशक आजम साहब आपकी जानब आऊँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं उनसे ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाले या सहराई इलाकों में रहने वाले लोग किस तरह मुख्तलिफ होते हैं सहराई या माउंटेस एन में जो लोग रहते हैं वो मैदानी इलाकों से बनस्बत थोड़ा से डिफरेंट होते हैं जी. डिफरेंट के मतलब ये नहीं कि थोड़ा से वो स्ट्रॉग होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लिन एरिया पर जो हुँ. रह रहे हैं वजह ये है कि रेगिस्तान या आ, पे जो चलते हैं, रेत पे चलना मुश्किल होता है।, है इसी तरह आप स्लोप पे चढ़ते हैं है। तो वो भी मुश्किल है, है। तो ये दोनों जो लोग इन इलाकों में रहते जी। हैं जी। प्लेन एरिया की नस्बत ज्यादा ताकतवर मजबूत होते हैं और इसमें इनमें जो है कुत मुदाफ़े जो है वो ज्यादा होती है इनका काम रोजाना जाना उतरना है चीज़ों को लाना है पानी भरना है रेत में चलना है तो इस नोत से वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉग समझते हैं इसके अलावा हमारे यहाँ जो फौजी ट्रेनिंग होती है या क्रिकेट टीम है या हॉकी टीम जी। है इनकी प्रैक्टिस कराने के लिए इनको उसी रेत पे दौड़ाया जाता है या फौजी ट्रेनिंग के लिए आसलो पे चढ़ाया जाता है ताकि वो नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा मजबूत रहें डिफेंस जो है वो कर सके ठीक है मुझे बताइए कि अगर हम ऐसा कहें तो मेरे ख्याल से ये बात भी ठीक ही है कि ये भी किसी अजायबात से कम नहीं ये जो कायनात है सहराओं की कायनात तो मुझे ये बताइए कि जो दुनिया के मुख्तलिफ सहराओं में अजाबाद हैं वो जी कौन जी से अजायबाद हैं और उन्हें देख के इंसान हैरानी रहे बिल्कुल सही बात की है आपने कि सहरा जो है वहाँ पे जो चीज़ें हैं वह अजायबा अजायबाद से कम नहीं है अजूबाएँ हैं।, हैं खुद सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका का सातवा बड़ा अजूबा में शामिल होता है जिसमें तकरीबन ग्यारह ममालिकामिल हैं उसकी बाउंड्री जो है वो आती हैं और कुछ कम्पलीट जो उसमें शामिल है इसके अलावा जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की है के जो सेंड्यूज के वेव्स बनते हैं उसकी लैंड फॉर्मेशन होती है वो यूनिक चीज़ है वो आपको आम जगह पे नज़र नहीं आती है उसको भी देखकर एक जो है खुदा की कुदरत का वह अंदाज़ा होता है इसके अलावा एक लाइक जो है उसी सेंड्यूज से वो क्रिएट हो जाती है तो वो भी एक यूनिक चीज़ है जी। मिसर जो है राम मिसर और अबुल हॉल जो कि इजिप्ट में मौजूद है ये भी देखें कि इतने गर्म डेजर्ट में वो चीज़ें मौजूद हैं और कहा जाता है कि उसमें कोई चीज रखते हैं तो ख़राब नहीं होती है हुँ. तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को ख़राब होने से बचा रही है इसके अलावा मुख्तलिफ अकसाम के पौधे वो आप देखेंगे कि कांटों से घिरे हुए हैं ताकि वो सूरज की तमाजत से उसको बचाएं और जानवर से भी बचाएँ तो ये आपको चीज़ें आम जगह पर नहीं मिलेंगी इसके अलावा एटिकामा जो डेज़र्ट्स हैं इस यहाँ पे आ, दुनिया की सबसे साफ सुथरी जगह जो है ये तस्वर की जाती है और यहाँ पे जितनी भी वैलीज़ हैं वो ज़्यादातर मून लाइक हैं उनकी शेप जो है मून लाइक है अंटार्टिका में आते हैं तो वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं वो भी अजूबा से कम नहीं हैं शेक स्केलेटन या लम्बर्स ग्लेशियर जो है वो भी देखने के आ, काबिल हैं और वह अजुबा में श वो भी शुमार किए जाते हैं मैं बहुत मशगुरु ममनू हूँ आप दोनों शख्सियात की डॉक्टर पवे शाफी साहब आपकी कि आप, आप यहाँ मौजूद रहे और प्रोफेसर मोहम्मद आजम साहब आपकी कि आप भी यहाँ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद रहे और जितने सवाल आज मैं कर सकती थी क्योंकि बात तो अभी तष्णा है लेकिन मैंने वो किए और आप दोनों ने बहुत मदल उसके जवाब दिए और मैं दोनों शख्सियात की बहुत ममनू हूँ नाजिर नगर आम इसी के साथ निदा नसीम को प्रोग्राम कायनात के आज के एपिसोड से इजाज़त दीजिए ये तो मेरा मानना है और ऐसा आप तमाम को भी लग रहा होगा कि बात तो अभी तिशना है तो अगला प्रोग्राम भी इन हम इसी टॉपिक पे करेंगे इसी मौजू पे करेंगे यानी अगला प्रोग्राम भी हमारा सहरा या डेजर्ट ही पे होगा क्योंकि अभी जब प्यारे रबी सैदिन अहमद मुशतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हु वसलम का तस्करा आया और सहरा अरब का तस्करा नहीं हुआ तो अभी तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हमने टच हल्का सा टच किया है और उस पर मुफसल कलाम होना बहुत ज़रूरी है तो अगला प्रोग्राम इन डेजर्ट पर होगा और सहरा पे होगा नगराम ये जो एक नई ज़मीन है और जो सहरा की ज़मीन है ये कायनत भी किसी अजय ये भी अजयबाद से कम नहीं है अजायबाद की दुनिया है और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ के हैवान यहाँ के नबात भी कुछ अलग ही हैं कुछ मुनफरिद हैं क्योंकि अल्लाह का यहाँ पर हमें कलम नज़र आता है और उसकी कुदरत नज़र आती है कि किस तरह वो जहाँ चाहता है जो चाहता है कर देता है और इंसान बस हैरान हो जाता है और यहाँ एक बहुत प्यारी बात डॉक्टर पवे शाफई साहब ने की कि ये जो सहरा है ये हमें खाल कायन से अल्लाह तबारक से हक, जो ज़ात हक है उससे बहुत ज़्यादा करीब कर देते हैं अल्लाह की याद दिलाते हैं तो बहुत प्यारा मौजू है अगला प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा निदा नसीम को इजाज़त दीजिए इन शजीज़ अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी